हे गाइज, क्या आप लोग इस टाइप से फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं न्यू ईयर का? तो इस समय काफ़ी ट्रेंड चल रहा है न्यू ईयर। अगर इस तरीके से आप लोग फोटो एडिट करके डालते हैं इंस्टाग्राम पे तो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। और जो है कि इस फोटो में कुछ हमने अलग करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है, जो है कि मैंने रियल वर्क किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा रियल फोटो है, और यहाँ पे रियल वर्क करके जो है कि अपना फोटो मैं बनाया हूँ, ठीक है ना। हर एक चीज़ इसमें जो है कि रियल है, ठीक है ना गाइज। तो कुछ इस टाइप से अगर आपको फोटो एडिटिंग सीखना है तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से एक एक PNG ऐड किया गया है। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो इसमें आप लोग बहुत कुछ मिस करके और इस टाइप से फोटो एडिट नहीं कर पाएंगे गाइज। तो बस मेरा कहना है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। लोग जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते रहते हैं गाइज। तो गाइज, ये जो अपना ओरिजिनल पिक होगा, तो इस पिक को आपको सबसे पहले क्या करना होगा गाइज, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके और अपने फ़ोटो को लाइटरूम में शेयर कर लेना गाइज। सबसे पहले बार अपना फ़ोटो देख सकते हैं जो कि लाइटरूम में ऐड हो चुका है। तो लाइटरूम को ओपन करने के बाद कुछ इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ से अपना ये ओरिजिनल पिक है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली गाइज, यहाँ भी आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो है कि आप लोग को एक प्रीसेट दे दूँगा, ठीक है ना। उस प्रीसेट का यूज करके सिंपली वन क्लिक में आपको पिकसार्ट में चले जाना है। तो देख सकते हैं ये जो मेरा प्रीसेट है, ये अपना प्रीसेट है, ठीक है ना गाइज। तो इस प्रीसेट के लिए, इस प्रीसेट को आप लोग को यहाँ से कोने में 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से कॉपी सेटिंग्स कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। कॉपी सेटिंग इस टाइप करके यहाँ से सिंपली बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद जो भी आपका ओरिजिनल पिक होगा ना, ओरिजिनल पिक को ले लेंगे गाइज, ठीक है ना। तो कुछ ये अपना ओरिजिनल पिक है, तो इस पर जो है कि फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देंगे गाइज, और वन क्लिक में जो कि मेरे जैसा फोटो हो जाएगा। देख सकते गाइज, जो कि वन क्लिक में मेरा फोटो हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग कुछ इधर उधर नहीं करना है गाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ जो है कि अपने फ़ोटो को आप लोग को शेयर पर क्लिक करके और गाइज अपने फ़ोटो को यहाँ से जो है कि एक्सपोर्ट कर लेना है गैलरी में। एक्सपोर्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को हम बताते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही सरल तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा आज। तो गाइज अपना फ़ोटो देख सकते हैं जो कि गैलरी में एक्सपोर्ट हो चुका है, और सिंपली आप लोग को इसके बाद जो कि बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। और यहाँ से आप लोग को देखिए, अगर रियल बैकग्राउंड पे वर्क करना है तो आप लोग को सेम बैकग्राउंड पर वर्क करना है तो आप लोग के लिए देख सकते हैं बैकग्राउंड बनाकर मैं रख चुका हूँ, मेरा रियल बैकग्राउंड है, ठीक है। मैं सोचा क्यों नहीं आप लोग को बैकग्राउंड ही रिमूव करके दे दिया जाए, आप लोग को ज़्यादा झंझट एंड ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। इसके लिए मैं आप लोग को अपना खुद का ओरिजिनल बनाया बैकग्राउंड आप लोग को दे रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले जो बैकग्राउंड मिलेगा उसको शेयर पे क्लिक करके और फाइनली आप लोग को ये वाला फोटो को, बैकग्राउंड को अपने पिकसार्ट में ओपन कर लेना गाइज, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ से जिसे कि सबसे पहले यहाँ से टूल्स पर क्लिक करके और अपने फ़ोटो को क्या करना है, रिसाइज कर लेना गाइज, ठीक है ना। यहाँ पर 5000 लिख करके रिसाइज करना है, और नीचे 42-43 आ जाएगा, तो 42-43 कर लेना है रिसाइज। और उसके बाद जो कि यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से वर्क करना है। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टफ होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि PNG ऐड करना आसान बात नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अपने नेट को ओपन रखिएगा, यहाँ से गाइज अपने नेट को ओपन रखेंगे और जो भी आपका मॉडल होगा ना, ऐड फोटो पे क्लिक करके और सिंपली गाइज जो लाइट रूम से अपना फ़ोटो एक्सपोर्ट किए हैं उसको जो है कि सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं ये अपना फोटो है, ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है गाइज, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड भी हटाना है ना, है ना। तो आप लोग सोच रहे हो कि बैकग्राउंड हटाना नहीं बता रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते रहेगा। इधर आप लोग को नीचे के साइड रिमूव BG का आप लोग को ऑप्शन दिखेगा, रिमूव BG पे क्लिक करके और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो जो है कि वन क्लिक में AI की मदद से जो है कि आपका बैकग्राउंड हट जाएगा। देख सकते एकदम HD क्वालिटी में यहाँ से बैकग्राउंड हटता है गाइज, ठीक है ना। आप लोग जैसे कि ध्यान नहीं देते हो छोटी छोटी बातों को, जैसे कि यहाँ से कि आपका बैकग्राउंड जो है कि हट जाएगा एकदम ओरिजिनल तरीके से, एकदम HD तरीके में, ठीक है। तो अपने फोटो को जो है कि अपने हिसाब से जो है कि सेट कर सकते गाइज, ठीक है। मेरे पे तो कुछ इस टाइप से सेट हो रहा था, तो हम इस टाइप से सेट करें, ठीक है। तो इस टाइप से सेट करेंगे तो जो है कि अपना फोटो में ओरिजिनल लुक देने लगा अभी से ही, ठीक है ना। अभी से ओरिजिनल आप लोग को लुक मिल गया है। और यहाँ से जो है कि दोबारा से आप लोग को क्या करना है गाइज, तेरे मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है कि ऐड फोटो पे क्लिक करके और अपना जो PNG मिला रहेगा सारा PNG जो है कि ऐड करना है आप लोग को बारी बारी से, ठीक है ना। तो गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 PNG हम ऐड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, जो ये वाला PNG होगा इसको जो है कि क्लिक करके और यहाँ से ब्लेंड पे क्लिक करके और स्क्रीन कर लेना होगा, ठीक है ना। और कुछ इस टाइप से रख लेना होगा गाइज, ठीक है ना। इस टाइप से रखने के बाद ऊपर की साइड आप लोग को लेयर वाला ऑप्शन दिखता है, और इस ऑप्शन में जो है कि मूव डाउन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को, तो यहाँ से जो है कि मूव डाउन कर लेते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ से मूव डाउन करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से जो है कि एक और PNG जो मिला रहेगा, इस PNG को जो फिर से इसको ब्लेंड मोड पर करके और इसको भी बड़ा कर लेंगे, ठीक है।
बड़ा कर लेंगे और इसको स्क्रीन मोड पे कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखने लगेगा अभी से ही है। उसके बाद से फिर से जो है कि दो PNG ऐड करना रहता है आपको। तो गाइज आप लोग देख पा रहे हो कि दो PNG फिर से ऐड हो चुका है, ठीक है। तो जो है कि ये वाला जो डोल PNG है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, इस टाइप से रख के, ठीक है ना, इस टाइप से रखने के बाद जो इसको कि मूव डाउन कर देना है, ठीक है ना गाइज, मूव डाउन कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। जो कि एक बार इसको जो है कि ऊपर के साइड रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं ये जो हैप्पी न्यू ईयर का PNG मिलेगा, इसको जो है कि गाइज जो है जो हैप्पी न्यू ईयर का PNG दिखता है, इसको जो है कि इस टाइप से बड़ा करके, ठीक है ना, अपने फोटो के हिसाब से इस टाइप से रख लेंगे, ठीक है ना गाइज। और इस टाइप से रखने के बाद आप लोग क्या करना है गाइज, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कि फिर से आप लोग को दो PNG ऐड करना रहता है, ठीक है ना। जो सब PNG आपको मिला रहेगा ऐड फोटो पे क्लिक करके और फटाफट से ऐड कर लीजिएगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं फिर से दो PNG ऐड हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है कि बड़ा करके, ठीक है ना, और आप लोग क्या करना है, इसको भी स्क्रीन मोड पे कर लेना है आप लोगों को फटाक से, ठीक है ना। और इस टाइप से रख लेना है, इसको जो है कि साइड से पकड़ के पतला कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको जो है कि कुछ इस टाइप से रख लेंगे गाइस, ठीक है ना। इस टाइप से रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो है कि इस टाइप से रखने के बाद जो है कि आप लोग क्या करना है, ये वाला जो आप लोग को एक और PNG दिखता है, इसको भी जो है कि स्क्रीन मोड पे कर लेना आप लोग को। और जो है कि साइड से इसको जो है कि जहाँ जहाँ आपको लगाने की इच्छा करे वहाँ वहाँ जो है कि डुप्लीकेट लेयर बना करके आप लोग जो है कि लगा सकते हो, ठीक है ना गाइस, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है कि आपका फाइनल डन होता है बन के फोटो, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, जो कि स्टिकर पे क्लिक करके और यहाँ पे सर्च कर लेंगे 2024, ठीक है ना, 2024 सर्च करेंगे। और यहाँ से देखिए जो कि बहुत सारा आप लोग को 2024 का PNG देखने को मिलेगा। तो जो है कि अपने हिसाब से जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ऐड किया था वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये वाला जो है कि मैं ऐड करके रखा था, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड करके रखा था, ठीक है ना गाइज। और इसको जो है कि डन कर लेता हूँ, ठीक है ना। और जो है कि मेरा फोटो फाइनल डन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे फेस पे जो है कि कुछ चमक आ चुका है, ठीक है ना। इसको जो है क्लिक करेंगे और इरेज बटन पे क्लिक करके और जो है कि इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है ना। जो PNG आप लोग आया रहेगा उसको जो है कि फेस पर से हटा लेंगे, बाकी कपड़े वपड़े रहने देंगे, ठीक है ना गाइज। और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपका फोटो बन के यहाँ से जो है कि रेडी हो चुका है, ठीक है गाइज। जो है कि सारा काम हो चुका है, अब बचा है जो है कि फेस स्मूथ करना। तो आप लोग क्या करना है, जैसे फेस स्मूथ कैसे करना है, जो है कि यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करके और अपने फ़ोटो को जो है कि यहाँ से सेव नहीं करेंगे, मोर बटन पे क्लिक करके और जो है कि अपने फ़ोटो को क्या करेंगे, रेमनी कर लेंगे, ठीक है। जो है कि अपने फ़ोटो को अच्छे तरीके से सबसे पहले रेमनी करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं है, बस रेमनी करेंगे, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ से इनहेंस पे क्लिक करके फटाफट से ऐड देके जो है कि रेमनी का फ़ोटो सेव कर लीजिएगा गैलरी में। यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पर आप लोग दिख रहा होगा कि जो है कि मेरा फेस पे रेमनी हो चुका है, ठीक है। और ब्लरिंग सारा यहाँ से हट चुका है और ये मेरा बैकग्राउंड के साथ देख सकते हो फोटो सही भी लगने लगा है। और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है कि स्मूथ करना रहता है, तो यहाँ से आप लोगों को शेयर पर क्लिक करके और अपने फ़ोटो को जो है कि स्केच बुक में ज्वाइन कर लेंगे। और आप लोग को मैं स्मूथ करना भी बता देता हूँ हल्का फुल्का, ठीक है ना, जो कि इसमें हल्का फुल्का ही स्मूथ चलेगा, ज़्यादा हार्ड स्मूथ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से जो है कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कलर चूज करके और ऊपर के साइड करके सबसे पहले वाइट कर लेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए वाइट कर लेंगे। और यहाँ सिंपली बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद जो है कि अपना जो लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी पर क्लिक करके और जो हार्ड ब्रश है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। नीचे साइड आने के बाद यहाँ पे कलरनेस में आप लोग को ये वाला जो है कि ब्रश दिख जाएगा, ठीक है। इस ब्रश पे क्लिक करके और यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करके देख सकते कुछ इतना अपने सेटिंग को रख लेना है। अगर यहाँ से मूव नहीं हो तो यहाँ से सोमूव कर लेना अपने, ठीक है ना। ब्रश के सेटिंग को रखने के बाद जो है कि अपने फ़ोटो को जूम करना है और जो है कि ब्रश साइज को चेकआउट करके, ठीक है ना। और जो है कि यहाँ पे अपने अपने हिसाब से हल्का फुल्का जहाँ था स्मूथ मारना एकदम हार्ड वाला, ठीक है गाइज। देख सकते हैं जो है कि कितना अच्छे तरीके से जो कि हर एक चीज़ में आप लोग को बता भी दिया और आप ऐसा फ़ोटो बना के वायरल भी कर सकते हैं। जो कि अपना पर्सनल ट्रिक जो है कि आप लोगों को मैं बता दिया, देख सकते हैं गाइज जो है कि कितना झकास लग रहा है फोटो आपके सामने, लाइव प्रूफ बनाकर आप लोग को मैं दिखाया हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पर कुछ भी इधर उधर का बात नहीं है, आप लोगों को जो कि बना बनाया बैकग्राउंड मिल गया, बना बनाया PNG मिल गया, आप लोग बस सेट करके छोड़ना है। आप लोगों को तो क्या करना है भाई, इतना मेहनत करके तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो अपने भाई की मेहनत के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम हमेशा लेके आते रहते हैं गाइज। तो चलिए मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।